हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक और खरियत से होंगे। आज की ब्लॉगिंग होने वाली है नाइट ब्लॉगिंग। आज हम आपको घुमाने वाले हैं पार्क सर्कस मेला में, क्योंकि जिस मेला जो लगा हुआ पार्क सर्कस मैदान में, इसे बोलते हैं मिलन बुक मेला। दिखाएंगे बैकग्राउंड में कैसी बचा लगी, बनाया गया चंद्रग्रहण और किस तरह अभी जो लैंड हुआ था हमारे इंडिया में करीब 3 महीना पहले, जो आपको दिखाएं कि चंद्र ग्रह बना हुआ है, जितना लैंड हुआ था उसका तस्वीर बना हुआ है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ मून अवर स्टेशन रिकरेंस कुछ लिखा हुआ है, आपको दिखाते हैं बैकग्राउंड में, आप भी देखें और हमारे वीडियो कहीं से अच्छा लग जाए। और देखिए इसी तरह लैंड हुआ था इंडिया से और लैंड होकर वहाँ पहुँचा, इस चंद्र ग्रह पर पहुँचा, उसी तरह डिजाइनिंग बनाया हुआ है बैकग्राउंड में, देखने अच्छा लगे। हम दिखा सकते हैं इंडिया में पाँच जगह से बनाया गया, वीडियो कहीं से अच्छा लगे। और ये तमाम देख सकते हैं पूरा साड़ी उड़ी, हर जगह का लोग इसे नाम भी लिखा हुआ है, साथ ही सारी बात से लिखा हुआ है SKMD का रूल अकरम, सबका सब सिस्टम बनाया हुआ, दुकान सिस्टम किया हुआ। ये कम से कम एक हफ्ता मेला ये रहता है और आपको दिखाएंगे। और अभी चलते हैं किस तरह लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, किस तरह लोग घूमते हैं यहाँ पर। खाली साड़ी का, साड़ी उड़ी और कपड़ा हर चीज़ का मिलता है, क्योंकि इसे साल में एक ही बार ये मेला लगता है। आप देख सकते हैं किस तरह लोग दूर दूर से आके थोड़ा सा दुकान खोल के इस मेला में लोग मेला को और भी बेहतरीन बनाते हैं। देखें बैकग्राउंड में कितना अच्छा है और किस तरह नाइट का आ रहा है मेला। और भी देखें चारों तरफ कपड़ा बेचे हैं। और अभी आज, क्योंकि आज मंडे है, मंडे के दिन कम भीड़ लगता है, क्योंकि कल संडे का बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। आप देख सकते हैं और किस तरह है, और उधर प्रोग्राम रखा गया है और इस मेला में किसी को तकलीफ ना हो कि आए इंजॉय करते हैं, क्योंकि मेला में गाना भी सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ कोलकाता के CM ममता बनर्जी दीदी के सिस्टम से बना जाता है। हर साल इस पार्क सर्कस मैदान में मेला लगता है, क्योंकि हर साल यहाँ पे हर चीज़ का मेला है, तो साल में कम से कम 4-5 मेला लग जाता है ना। और हमारी वीडियो आप कहीं से अच्छा लग जाए, ये 31 तारीख लास्ट मेला ये है। और देखें किस तरह प्रोग्राम जाती है, लाइव टू लाइव चला रहे हैं, देखिए आप देख रहे हैं, तो लाइव टू लाइव चल रहा है। तो चलिए आगे आप स्थिति दिखाएंगे, अभी ज़्यादा भीड़ नहीं, तो हम थोड़ा कुछ बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ से निकलते बहुत बड़ा है, फिलहाल में रात बेसी हो चुकी है, आदमी उतका में। वीडियो बनाने का मकसद होता है कि अभी भीड़ भरा का रहे तो और ही बेहतरीन बनता है वीडियो। अभी जहाँ तक हो वहाँ तक वीडियो बना दे, प्लीज़ वीडियो को आप दोस्तों में फ्रेंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करके हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ग्रो कराएँ, क्योंकि हमारा चैनल जो है डेट हो चुका है, क्योंकि एक साल से मेहनत करने के बावजूद भी चैनल उठ रहा है, अपडेट हो रहा है, क्योंकि हमारा जो था पूरा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया है। आप लोग से मेहनत, आप लोग के सहारा से हम वीडियो बना दें कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, प्यार दें। हमारा जितने पूरा गार्ड पार्ट लगा हुआ है और कोई सा तकलीफ न हो सिर्फ पार्क सर्कस मैदान में, पूरा गार्ड पुलिस फोर्स पूरा लगा हुआ है हर। तो अभी हम चलेंगे और एक और छोटा सा मेला लगा हुआ है, इससे पहले वो मेला ऐसे ही लगा रहता है, वो लगता हर साल। ये एक दो डिवाइड है, बहुत पार्क सर्कस मैदान है, वो भी छोटा पार्क सर्कस मैदान है। तो अभी हम आपको दिखाएँगे, तो देखें तो ये पूरा बना हुआ था, ख़राब हो चुका है, जैसे पानी गिरता था ये पार्क सर्कस मैदान में। और ये वाला बंद है, अंदर में बच्चे लोग खेलते हैं बहुत, अभी फ़िलहाल में टाइम बेसी हो गया है। तो अभी आप दिखाते हैं बैकग्राउंड में, सीधे जाएंगे और जहाँ पे मेला लगा हुआ है, तो भीड़ बहुत कम है, क्योंकि संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है फ्रेंड्स, तो ये सब चलने में जगह नहीं रहता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं और देखते रहे और इन्जॉय ले हमारे वीडियो को, दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें भी आप एक बार मौका दे आगे बढ़ने की। आप हर नया नया ब्लॉगर को मौका दें, हम तो पुराने ब्लॉगर हैं, क्योंकि एक साल से मेहनत करने के बाद लोग पुराना हो जाते हैं। लेकिन छोटा मोटा पानी वानी हर चीज़ बिकता है, हर चीज़, और यहाँ भुट्टा ही बिकता है, बिहार वाला फीलिंग ही मज़ा आएगा। और ये पूरा टैंक लगाया गया है, किसी को कुछ तकलीफ़ ना हो, यहाँ पर गेस्ट सब दूर से आके रह रहे हैं इसी पार्क सर्कस में, किसी को बाथरूम टॉयलेट का सब सुविधा किया गया दीदी के तरफ से ही, सब पूरा सुविधा है। कोलकाता में एक ही है कि दीदी बहुत अच्छा काम करता है कोलकाता में। तो अभी हम भाई से क्या बात करेंगे, दिखाते हैं आपको। और एक ये बड़ा टावर झुलवा लगाया गया है, आप देख सकते हैं टावर झुलवा, ये बंद है फिलहाल में, लोग बहुत कम है इसीलिए, तो टावर झुलवा बंद है। संडे के दिन टावर झुलवा पर लोग बहुत ज़्यादा भीड़ रहते हैं और चढ़ने के लिए दूसरे से लाइन लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोलकाता में लोग को ज़्यादा, इंसान यहाँ क्या है कि ज़्यादा
सर छुट्टी संडे को मिलता है क्योंकि ऐसे आम दिन किसी टाइम नहीं किसी के पास, संडे के दिन सबके पास टाइम रहता है, इसलिए इस मेला का सबसे बेहतरीन भीड़ होता है संडे के दिन। देख सकते हैं किस तरह मेला की बहुत कम भीड़ है इस, और संडे के दिन चलने का जगह नहीं मिलेगा फ्रेंड्स मेला में। पार्क सर्कस मैदान कोलकाता वेस्ट बंगाल, देख सकते हैं। और हमारी इसे पार्क सर्कस मैदान में एक प्यारा ऐसा बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाया गया है जो करीब 3 फ्लोर मस्जिद है, बहुत ही प्यारा है, तो आपको उसका भी वीडियो दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बगल एक मज़ार भी है तो वहाँ का भी दिखाते हैं। पार्क सर्कस में ये 3 फ्लोर ये मस्जिद है। पार्क सर्कस मैदान में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है जुम्मा के दिन, लोग दे सकते हैं। ये दरबार है लिखा हुआ है पूरा बहुत प्यारी से बना हुआ। ये बगल में मज़ार है, मज़ार बहुत ही बेहतरीन से बनाया गया। मस्जिद उन नूर नाम है, तो देख सकते हैं ये मज़ार है। और आप देख सकते हैं बहुत कम लोग हैं हम, तो इस मेला में खासियत ये है कोलकाता में कहीं भी मेला लगे खासियत ये है संडे के दिन कैसा से कैसा मेला वो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है दोस्तों। तो क्योंकि लोग यहाँ सब काम भी रहते हैं, सब ऑफिस से काम धंधा करते हैं क्योंकि किसी पास समय नहीं रहता है, और जो समय होता है संडे दिन बेसी होता है लोग के पास, और लोग सिर्फ संडे के दिन घूमते हैं। और एक ऐसा देख सकते हैं डिजाइनिंग फुचका वाला हर एक चीज़ यहाँ पर खाने पीने का मिलेगा, और कोई ऐसा तकलीफ फ्रेंड्स नहीं होता है। पार्क सर्कस मैदान कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, और देख सकते हैं बर्तन उर्तन हर चीज़ यहाँ मिलेगा, हर चीज़ शीशा से लेके स्टील हर चीज़ मिलेगा सुविधा है। और ये नौवा झुलवा है हम लोग बोलते हैं ना झुलवा, देख सकते हैं किस तरह बनाया गया, अभी इसको खाली चल रहा है। और एक तरह और बनाया गया है अंडर वाटर, फर्स्ट टाइम इन कोलकाता लिखा हुआ है, वर्ल्ड फर्स्ट प्रोजेक्शन अंडर वाटर टूर्नर एक वन लिखा हुआ बनने का, 100 रुपये एंट्री फीस अंदर जाने का। ये 25 दिसंबर को स्टार्ट किया गया था, देख सकते हैं किस तरह बेहतरीन बनाया गया। तो हमारा वीडियो कहीं से अच्छा लग जाए, अंदर जाने का अभी टाइमिंग नहीं है, कुछ दिन जाएंगे अंदर आपको दिखाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, और बाहर में ये कपड़ा पूरा ये है, और बाहर में देखते किस तरह लोग जाम ट्रैफिक लगते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, देख सकते हैं क्या है, देख सकते हैं। चलिए इसीलिए यहीं से वीडियो को एंड करते हैं, खुदा हाफिज़, जय हिंद जय भारत।